कोई औलाद नहीं है। अरे कोई कुछ कहता है, परमात्मा ने हर इंसान को दो कान दिया है, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर कर दो, किसी के बात को बुरा मत मानो। नहीं शमिरात, मैं एक दिन मेहरबान लेकर आई, पहले मुझे वचन दे, शबान में अपनी आवाज उठाऊं। क्या रखना ये तू क्या कह रही है? तू जानती है कि जब से मैं तेरा काम करा करके लाया हूँ, तू जो भी कुछ कही है मेरी रानी, मैं तेरी हर बात को माना हूँ। आज कौन सी ऐसी तेरी मजबूरी है, कौन सी ऐसी बात है कि तू कहेगी और मैं तेरी बात को ना मानू? ठीक है रानी, ले मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि तू जो भी कुछ कहेगी मैं तेरी हर बात को मानूंगा। ये मेरा वाजवान वचन है, मेरा वाद। ठीक है शामिनाथ, मैं जरूर कहूंगी। हाथ जोड़ी पैया, वचन दिया है अपने वचन का पालन करो। तोहरा से बाते दूसरी तू सदिया है, बहुत सोचता था, समझता था, लेकिन अब मैं समझ गया कि तू पागल हो चुकी है। नहीं स्वामीनाथ, जो मैं कह रहे उस बात को आप मानिए। हरे रत्ना, मैं तेरे जीते थी अपनी दूसरी शादी कर। नहीं रत्ना, ये कभी हो नहीं सकता। अगर तू इस दुनिया में नहीं रहती तो थोड़ी देर के लिए मैं सोचता दूसरी शादी करने के लिए, और तू कह रही है शादी करने के लिए, कभी ऐसा हो नहीं सकता। नहीं सम्राट, अगर शादी नहीं करेंगे तो मैं आज से अल्लाह दरबार में अपनी शक्ल आपके सामने नहीं दिखाऊंगी। सम्राट सौतन क्या होती है और सौतन का रूप क्या होता है? सौतन का वो रूप होता है जैसे दूध में एक मक्खी गिर जाती है, यही एक सौतन का रूप है। नहीं शामिलात, भारत रा, क्यों तू अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है? मेरी बात तो मान ले रानी। अरे पागल, जब तक हम जिंदा रहेंगे इस राज और ताज का देखभाल करेंगे, मर जाने के बाद क्या कोई किसी को देखा है? इसका मतलब शादी नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सुन लीजिएगा, शादी नहीं करेंगे तो मैं इसी दम इसी वक्त और इसी जगह आत्महत्या कर बैठूंगी। स्वामीनाथ, आत्महत्या कर बैठूंगी। या भगवान, अब मुझे अपनी शरण में ले ले, जीने की कोई शौक नहीं, कोई हौसला नहीं है। नमर दो।
लानत ना। अरे वाह रे मेरी रानी, मैं तुम्हें क्या सोचा था और तू ये क्या कर बैठे। एक औलाद के लिए प्राण, अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि जिस दिन मेरी शादी हुआ, मेरा गाउन हुआ, मेरे साथ जीवन भर जीने के लिए सात फेरों के साथ तूने सौगंध खाई थी, आज उस सौगंध को भूल गई और बीच मलथान में मेरा रास्ता छोड़ करके तू जा रही है। शामिना तब तक पकड़े नहीं होते, तुम्हारे साथ अब तक मिट गई होती इसी वक्त जगह, न रहती न मैं आपके सामने अपनी शकल दिखाती। रानी एक बार और मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अपने आप पैरों में अपने कुल्हाड़ी मार रही है। दूसरी बात, अगर तेरे कहे अनुसार मैं दूसरी शादी कर लिया, आज हवेली में ला दिया, हो सकता है किसी बात को लेकर के तुम दोनों में बन बिगड़ गई, तो मुझे बीच में ला करके मत खड़ा करना। कोई शिकवा शिकायत नहीं आपके पास आएगी, आप पहले दूसरी शादी करें, शामिनाज शादी करें। और कैसे का करबा हम, कैसे का करबा हम, तू मुझे क्या समझाएगी। अरे सर्वनाश तो मेरे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरे सामने दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि तुम मुझसे दूर होना चाहती है और मैं तुझे खोना नहीं चाहता रत्ना। ठीक है चलो चलते हैं, मंत्री और द्वारपाल को बुला करके मैं उन दोनों से जरूर सलाह लूंगा। ठीक है सर्वनाश, के कर लू मैं बात आके पूजा करूंगी, तू जे भी खा के
अगर इजाजत है तो पूछ सकता हूँ महाराज? महाराज मैं यही पूछना चाहता हूँ कि महारानी रत्ना आपके पास किस लिए आए थे, आने का कारण बताइए महाराज। जी महाराज यही बात मैं बैठ करके यहाँ सिंहासन पर सोच रहा था। सही महाराज कि मेरा मंत्री मान सिंह और द्वार पार आएंगे तो यही मुझसे सवाल करेंगे। बिल्कुल बताइए महाराज। जाना चाहते हो? आने का कारण बताइए महाराज। महारानी रत्ना का ये कहना है कि महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए क्योंकि हम दोनों के शरीर से कोई औलाद नहीं हुआ। सही है महाराज, सही बात। तो आप दूसरी शादी के लिए दूसरी अगर महारानी आएगी हो सकता है उनके शरीर से कोई औलाद हो जाए और इस राज और ताज का देखभाल हो जाए। लेकिन तुम लोग का क्या विचार है, क्या राय है, यही मैं जानना चाहता हूँ। मोर तो इच्छा ना है मंत्री के इच्छा पता। तरबारी तुम्हारी क्या राय है? महाराज अपने दूसरे शादी कर ले। बेइज्जती का धंधा करे मतलब? अरे पागल से बेइज्जती की क्या बात है? मर्दा बात नहीं, क्या जरूरत थी? अब पहले उखारी पर लेना पड़ो तो आपका उखारी है। अब हो सकता है दूसरी महारानी आए उसे कोई लड़का हो जाए। हाँ तो छोड़ा जाता हमारे कहा जरूरी? सही बात है। हाँ महाराज हम लोग शादी समझते हैं। क्यों हमारे तीन पर अच्छा मंत्री मान सिंह? हाँ महाराज। द्वारपाल? हाँ महाराज। तुम दोनों शादी सहमत हो? हाँ महाराज। लेकिन मैं नहीं सहमत हूँ। कहे महाराज? मेरे सामने मजबूरियाँ हैं कि अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता हूँ तो महारानी रत्ना इस राजहवेली में आत्महत्या कर सकता। हाँ महाराज मैं हराज में कितनी दिन भगवा होला महाराज। यही बात है, मेरे पास मजबूरियाँ हैं। जाओ कोई गरीब घर की लड़की हो या राज छोड़ करके जाओ और गरीब से गरीब घर की लेन देन की बात मत करना। लेकिन कैसा नहीं छूटा छंटा रहते चली पूछा था महाराज। तेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है और कोई अच्छी बात नहीं पूछती है महाराज। लेकिन कैसा नहीं मला दो चार लड़का का महतारी तो चली बार बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बतलाऊंगा, तेरे समझ में जो आवे ठीक महाराज वैसे करना। लेकिन एक बात और खोल करके बतला देना जो लड़की मिल जाए जी। कि महाराज की पहली शादी हुई थी उनके शरीर से यानी महारानी के शरीर से कोई औलाद नहीं हुआ उसे बताओ, इसलिए वो दूसरी शादी कर रहे हैं उसे बताओ लड़की से। और लेन देन की बात बताना ठीक है? लेन देन का बात ना कर बात में यो मत कहिया कि दिया ना है। हाँ बता दे। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ सिपाही अगर हमारा आवाज सुनो तो खा तो तीन फिर जाकर मुलाकात कर रहा हूँ। दरबारी कोई लड़के ढूंढने चलना है ना? फसौला न मतवा घर लड़की मंगवा बढ़िया दौड़ा के कचू पर फेंक देवा। क्यों मारेंगे? जमाना रह सब लड़का देखे जाते कहू तो पूछे भैया एक को लड़का बतेबा तो फलाने का में हो भैया चल हम चलत है तो वह अगुआ होकर। दरबारी जैसे पहले लेटर का जमाना था अब मोबाइल का जमाना आ गया है। चलो मोबाइल से कहीं किसी बुजुर्ग को पकड़ा जाएगा और सारी बात बताया जाएगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे गांव में कोई लड़की है? नहीं मेरे गांव में। तुम्हारे गांव में? मेरे गांव में तू ठहरली भाग गई। और तेरे गांव नहीं मेरे गांव में चलो तीसरे गांव में चलो मगर कुछ गाते चलो। ठीक है चलिए महाराज चलते हैं ला।
चाहिए। मैं फरवाई नहीं हूँ, चिरवाई हूँ। अच्छा तो कौन पे कुंडली है?
₹500 कुंतल है। 500 कहाँ लकड़ी जाते हो? नहीं तो महंगे 500। अब आप हमारे गाँव में एक हमारी आई हो भाई, हमारे गाँव में कड़िया जी में हरा दुआई 1280 रुपये कुंतल से दे गई। आई तो जब 500 तब लड़ते भर में बढ़ जाते। मैं 500 से कम नहीं दूंगी। अच्छा ये बताओ 1280 बेचती है कि 500? नहीं तो 1280 रुपये कुंतल दिया जा चीड़ा फरवाउले ना फरवाउले ठीक है उतारिए। हे रवा अच्छा ये बतावा चाची अभी मेरी शादी नहीं हुई है। शादी हम ना पूछे तो बिया भल है? नहीं मेरी बिया अभी नहीं हुई है। बिया ना भल नहीं एक बार करना। अरे शादी एक बार होती है कई बार होती है? नहीं एक पैर भी नहीं। नहीं गवाना जब शादी नहीं तो गवाना कहाँ से होगी? सुहागरात मनाऊंगी। अरे शादी नहीं तो कैसे सुहागरात मनाऊंगी? शादी का मैं चलू अगुआ सारे फसल शादी बड़ी ठोक छठा के कर दिया सारा फसा दी हल सुहागरात न मनाऊ ले। नहीं मैं स्वागत नहीं मनाए हूँ। तो पूछते आप कठे लड़का हम भाई तुम्हारी शादी का मचल है मैं तीन बार जो मेरी शादी नहीं तो लड़का कहाँ से होगी? वह कहते हैं को जगह पकड़ाई हूँ भाई देखो शादी का मचल भाई तू ना मुझे मैं बहुत अच्छे घराने की लड़की हूँ। अच्छा तो ब्याह करबू? हाँ मैं शादी करूँगी। तिलक पर अच्छा में का देबू? मैं कुछ नहीं दूंगी। काहे? मैं खुद ही जंगल में रहती हूँ। अच्छा चलो ठीक है मेरा कोई नहीं है। बिया करबू? हाँ तो लड़का लड़का तो एक नंबर का है। एक नंबर का नहीं एक नंबर का लड़का में तनो कमीना है राजा है चल दो कुछ का राजा है देखा तो सोना एकदम कढ़वा घर ले थे देखा उसे 40 करोड़ मंत्री को देखा हमें सोना चलू हाँ राजा हम भेली मांग मांग खाला आ उनके एठे में हरारू पहली उसे लड़का ना भैया जो पहली की भरत बना उसे लड़का ना भैया तो तुसे लड़का होगी। अरे तो शादी होने की बात मैं क्या जानती हूँ? वह पूछा था तुहरे उम्मीद धन तन को भाई उम्मीद टावर तो पकड़ी ना हम लड़का में कौन को कमी ना लड़का के देखो तब ओके चिरवा वाल जाता तीन से चौकी बनी। उनकी उम्र कितनी है? 23-20 क्या होता है जोर ला 60 बरिस 60 बरिस हाँ उनका लाइन मैं अभी 16 वर्ष की लड़की हूँ। मैं तो उनका लाइन ना ले लाइन मन घर में उतार लग गई अब खाली अब उसी लगावे ना अब उस समय आ गया चला चला था राजा में कमी ना चला अब जान था जब वो राज में जाबू ना अरे भगवान कर यहाँ तो तू रानी बन के रहू भगवान कर यहाँ तो रानी बन के रहू अयो चाल भगवान करो कि तो के माछी ना पूछो माछी वही के ना पूछे ले जे अंदर रहे ला हमन तो भीतर रह जा अरे चलनी जवानी हमारी
तेरे माँ बाप नहीं है? नहीं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं
अनाथ हो। हम तो तब्बर ना काली हैं, क्यों लेकिन विधवा हमारा जो करे माई बाप ना हम। अबे मूर्ख विधवा किसको कहा जाता है? जो करे माई बाप ना हम लोग के विधवा कहा जाता है। विधवा उसको कहा जाता है जिसका पति मर जाता है। विधवा? हाँ। जो करे माई बाप ना हम लोग के उसको अनाथ कहा जाता है। सर हम भी तो हम तो भूगोल में पढ़ ही ना पढ़ी। और जिस मर्द का औरत मर जाती है उस मर्द को विदुर कहा जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है। जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। बार बार ये लड़की मुझे पसंद है, इस लड़की से पूछो क्या मैं इसे पसंद हूँ? आज्ञा का पालन। ए लड़की महाराज तुम्हें पसंद कर लिए, बताओ महाराज तुमको पसंद है या नहीं है? हाँ मुझे महाराज पसंद है। कोई बात हो तो साफ लफ्ज में कहना। लेकिन मेरी तो बात की शर्त है, मेरी दो शर्त है। हाँ मेरी दो शर्त है सर।